देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे लगातार CSP संचालकों से लूट मामले में अब तक कोई भी कामयाबी पुलिस को हाथ नहीं लगी है। पीड़ित संचालकों ने पुलिस प्रशासन से जल्द उद्भेदन करने की मांग की है। वहीं अन्य CSP संचालकों में एक अलग सा डर पैदा हो गया है। पीड़ित संचालकों ने बताया कि 2 माह के अंतराल में लगातार लूट की 2 बड़ी घटनाओं में एक जैसी समानता, जिससे यह प्रतीत होता है कि दोनों लूटकांड में एक ही गैंग का हाथ हो सकता है। अमौर के CSP संचालक मोहम्मद इसरारुल हक ने अपराधियों के अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि थाना प्रभारी द्वारा अपराधियों को चिन्हित करवाने के बाद भी 1 माह होने को है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3/4 को मेरा घटना हुआ है। क्या हुआ था? 1,90,000 रुपया मेरा छीना गया है, जबकि हम लिंक ब्रांच से पैसा लेकर के हम अपने पॉइंट की तरफ आ रहे थे, तो इस बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है, वहाँ पर एक बांस का झाड़ है, वहीं पे 2 बदमाश पहले से बाइक लेकर के खड़ा था, बैठा हुआ था, और मैं जूं ही पहुँचा तो वो लोग हथियार लेकर के मेरे तरफ आ गया। मैं बाइक को वहाँ रोक दिया, वो लोग हमको कुछ नहीं बोला, सिर्फ गाली दिया कि माधवचंद रुको। हम रुक गए, रुकने के बाद वो क्या किया कि मेरा ये गाड़ी का चाबी लिया और डिक्की खोला, 1,90,000 लेकर के वो लोग फरार हो गए। अच्छा, इस संबंध में कार्रवाई क्या हुई अभी तक? थाना में मामला दर्ज हुआ है? हाँ, थाना में तो हम दर्ज करवाए थे उसी दिन, लेकिन अभी तक हमको कुछ सोल्यूशन नहीं मिला है। कितना दिन हो गया? लगभग 1 महीना होने जा रहा है। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। इससे पहले भी लूट की घटना हुई है ना? हाँ, पहले भी हुई है, एक इससे CSP से जी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है जी, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी ये सब जल्दी कार्रवाई हो।